वेलकम रीजनिंग। इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के इस सीरीज में आप सबों का स्वागत है। ब्लड रिलेशन और कुछ दूसरे चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। मैं लगातार मैथमेटिक्स रीजनिंग इनकी सीरीज चला रहा हूं। अप्रोच क्या होना चाहिए मैंने लगता है, और बहुत आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं बेस्ट अप्रोच क्या है। इंग्लिश हिंदी दोनों में है, सबों को सहूलियत होगी, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी एंजॉय करेंगे। आइए देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अमर कुमार सिंह अमर सर अन एकेडमी पर भी हूँ, जो एक फ्री लर्निंग ऐप है। मैंने यहाँ पर ढेरों लेसन्स और कोर्सेस बनाए हैं जो बैंक, SSC और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। इनका लाभ उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अन एकेडमी लर्निंग ऐप। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश में भी हैं, हिंदी में भी हैं, जहां तक संभव हो मैंने ट्रांसलेशन किया है, बोलूंगा भी। फर्स्ट जो है ये डायग्राम आधारित क्वेश्चंस हैं। ये डायग्राम है, उस पर 3 क्वेश्चंस हैं। डायग्राम रिप्रेजेंट द लाइक्स ऑफ किड्स ऑफ ए क्लास। ये जो डायग्राम है वो किसी क्लास के बच्चों की पसंद बताता है। बच्चे किसको किसको पसंद करते हैं, किस संख्या में पसंद करते हैं, किस नंबर में। ये जो बड़ा सर्कल है ये मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, यानी मरकरी को पसंद करने वाले 10, 12, 13 तीनों आएंगे। मार्स को पसंद करने वाला ये है। ये सर्कल का मतलब 12, 13, 16, 14 सबको ऐड कर दीजिए, इतने लोग मार्स को पसंद करते हैं, इतने बच्चे। जुपिटर इसके अंदर है, 13 प्लस 16। और क्वेश्चंस ढेरों बनते हैं। यहां तो 3 क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपसे पूछे ऐसे बच्चों का नंबर बताइए जो सिर्फ मरकरी को पसंद करते हैं, किसी और को पसंद नहीं करते, तो क्या बोलेंगे आप? 10। और ऐसा ही ढेरों क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द रेशियो ऑफ किड्स, अनुपात बताना है, रेशियो। हु लाइक ओनली मार्स, सिर्फ मार्स को पसंद करता हो। 2, दोज हु लाइक ऑल ऑफ द 3, तीनों को पसंद करने वाले कितने हैं? 13, जो तीनों सर्कल के अंदर है। इसके साथ अनुपात निकालना है किसका? ओनली मार्स, जो मार्स में हो लेकिन बाकी 2 में ना हो, इसमें ना हो, इसमें ना हो। 14 is to 13, 14 by 13 होगा कि नहीं, बोलिए। 14 by 13, D is the answer। फर्स्ट का आंसर क्या हुआ? 14 by 13, यानी कि D आंसर। क्लियर? चलें सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। What is the difference? अंतर बताना है between the kids who like Mercury and Jupiter। इसको बनाने का तरीका होना चाहिए। Mercury को पसंद करने वाले टोटल बच्चे, ओके। Jupiter को पसंद करने वाले टोटल बच्चे, Mercury और Jupiter में जो कॉमन है, Mercury, देखिए Mercury और जुपिटर में जो कॉमन है, तो मरकरी बोलेंगे तो 10 प्लस 12 प्लस 13 होगा, जुपिटर बोलेंगे तो 13 प्लस 16 होगा। 13 छोड़ दीजिए ना, 22 में 16 लेस कीजिए, 6। 6 इज द आंसर, ए इज द आंसर। क्यों ऐड करें? देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, मरकरी को पसंद करने वाले, मरकरी को पसंद करने वाले और जुपिटर को पसंद करने वाले, हम ऐड क्यों करें? मरकरी को पसंद करने वाले 10 प्लस 12 प्लस 13 है और जुपिटर को पसंद करने वाले 13 प्लस 16 है। इसको जब लेस करेंगे तो ये तो पहले से पता है, खत्म है। अगर करना ही है तो 22 माइनस 16 करेंगे, 6 होगा ना, यानी कि ए आंसर। बोलिए ठीक है।
इसके बाद आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस, थ्री क्वेश्चंस का एक नहीं दो दो सेट आपको एग्जाम में आएगा, इसकी पूरी संभावना है। हाउ मेनी पीपल हु लाइक मरकरी लाइक जुपिटर ऑल्सो, यानी मार्स, हु लाइक मार्स एंड जुपिटर ऑल्सो। तो मार्स और जुपिटर में कॉमन कौन है, यही तो पूछा है। मार्स को पसंद करने वाले जो जुपिटर को भी पसंद करते हैं, 13+16। मार्स और जुपिटर का कॉमन तो जुपिटर ही है क्योंकि उसके अंदर है, यानी जुपिटर को पसंद करने वाले सारे लोग, आंसर हुआ वो मार्स को भी पसंद करते हैं, 13+16 यानी 29। यानी कहने का मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड नंबर है वो क्या हो रहा है, 13+16 29 आंसर, यानी कि बी आंसर। ठीक है, समझ में आ गया हो। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन है। अच्छा है, पहले नीचे वाला कर लेते हैं, ठीक है, तो और स्पेस हो जाएगा बताने में और सुविधा होगी। इफ द मैथमेटिकल, फोर्थ नंबर, इफ द मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस एंड इनटू आर इंटरचेंज्ड, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, पूछा है। हालांकि आप इनको लिख दीजिए, जहां पर प्लस है वहां इनटू लिख दीजिए, जहां प्लस है वहां इनटू लिख दीजिए, जहां इनटू है प्लस लिख दीजिए, चेंज कर दीजिए, वैल्यू निकालिए, लेकिन हमें पहले इनटू चाहिए। तो जब ये इंटरचेंज होगा प्लस और इनटू, तो इनटू कहां आ जाएगा, यहां, यानी 18 प्लस, अगर यहां प्लस आया तो 18+2 20 और -23 होगा कि नहीं, चलिए बोलिए। कहने का मतलब जरा देखिए, 9 डिवाइडेड बाय 5 है। प्लस को यदि हम चेंज कर दें, ये जो प्लस है इसको चेंज कर दें, ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसका जो वैल्यू निकालना है, तो इसको चेंज कर दें, ये यहां आ जाए, ये यहां आ जाए, ऐसा करें तो क्या होगा, ये इनटू हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। और अब इसको आप हटा दीजिए, तो सॉल्व करने में हम लोग क्या बोलते हैं, 5 नीचे आया, 2 18 2 20 यानी 20 -23 यानी -3, ऐसे क्यों ना बोले, ठीक है, तो इसका आंसर -3। इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी थर्ड नंबर पहले कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। थर्ड नंबर में देखिए, अगर x का वैल्यू 24 दिया है और BE का वैल्यू 7 दिया है, तो हमें देखना पड़ेगा क्या है। इंग्लिश अल्फाबेट्स में 26 जो होते हैं तो उनका पोजीशन क्या है, फर्स्ट से क्या है, लास्ट से क्या है, 27 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कहने का मतलब जो आप बोलते हैं कि ई जो टी, इसका मतलब होता है इधर से अगर चलें शुरू से, तो 5 10 15 20 और 25 होता है, और इधर से अगर चलें तो क्या होगा, इधर से चलें तो 27 का कॉम्प्लीमेंट्री है, 27 में 25 घटाइए 2 सेकंड होगा, 27 में 20 घटाइए 7th, इधर से 15 27 घटाइए 12 17 और ऐसे ही 27 में घटाइए 22 इधर से चले तो लास्ट से, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्वेश्चन तो एग्जाम में कोई भी आएगा ना उसके ख्याल से, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ऐसा क्या है, तो हमारा ध्यान जाता है कॉर्नर जो हमें पता है कि 24 तो 25 जब होता है y तो 24 यस पोजीशंस, इसका मतलब पोजीशंस इसका 2 है
और इसका 5 है तो सन तो 7 है। रिलेशन का संबंध आपको समझ में आ गया, तब आपसे पूछा गया कि रिंग का मतलब क्या है। रिंग का मतलब क्या है? रिंग तो टी जो है वो 20 होता है, तो आर के बाद एस टी याद बात नहीं रखना है, जरूरत नहीं है, ये काफी है, तो ये 18 होगा। आई जे जे 10 होता है, तो आई ये 9 होगा। एन ओ ओ 15 होता है, तो एन 14 होगा। और ई के बाद एफ जी तो 7 होगा, इसी का वैल्यू पूछा है। तो ये वाला जैसे ही 14 और 7 आता है, मन करता है 21 कर दें, 9:30 कर दें, 48 कर दें, ऐसे क्यों ना कर दें। 48 इज आंसर, सी इज आंसर। बोलिए समझ में आ रहा है? इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग सेकंड नंबर करेंगे, ब्लड रिलेशन का है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, M is the son of N. प्लस बोले, मेल को हम लोग प्लस बोले, अगर क्लियरली पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा तो छोड़ दें। तो आप देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में, M is the son of N. तो N कौन है ये हमें नहीं मालूम, मतलब पेरेंट्स हैं, मदर है कि फादर नहीं मालूम। और N, आप इधर से देखिए, तो M कौन है? सन है। इधर से एम कौन है? सन है। सन है तो प्लस है, ये साइन हमने दे दिया, लेकिन एन के बारे में पता नहीं है। एम इज द सन, प्लस मालूम है। ओ इज द फादर ऑफ एन। अगेन देखिए यहां पर बोलेंगे कि ये कौन है? फादर। फादर है यानी प्लस, तो ओ प्लस है ये हमें पता है, ओ प्लस है ये हमें पता है। अभी तक एन के बारे में नहीं मालूम कि वो मेल है कि फीमेल। क्वेश्चन से, पी द फादर ऑफ एम। अब एम कहां है? यहां है। और पी अगर एम के फादर हैं, तो एक व्यक्ति का दो पिता तो नहीं होगा। जल्दी बोलिए, पी इज द फादर ऑफ एम। फादर माने प्लस, तो ये दोनों का बच्चा है, तो एक माता है दूसरा पिता है, एक मदर है दूसरे फादर हैं। इसने बता दिया कि ये कौन है। इधर से मदर है, मदर है मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव है माने क्या है। तो हमें पूछा है कि हाउ एन इज रिलेटेड नॉट पी, एन क्या है, एन क्या है, एन क्या है। तो एन जो है, एन वाइफ है, ये क्या होगा? वाइफ, पी के वाइफ है। हाउ इज एन रिलेटेड टू पी, तो ये ए आंसर हुआ, ए इज आंसर, ए की वाइफ है। ठीक है, समझ गए? मुझे पूरी उम्मीद है कि सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। पोस्ट करने का मेरा सिलसिला जारी रहेगा, पूरे तन मन धन से लग जाइए, इस बार जॉब लेना है। ऑल द बेस्ट।